सो हेलो गाइज, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज मैं व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज हमें मिला है एक वॉलेट इन भाई साहब का। तो फिर ये वॉलेट एक्चुअली बहुत पहले मिल चुका था और ये भाई साहब मुझे अभी इन्फॉर्म कर रहा है, बोले तो मेरे छोटे भाई ने अभी मुझे बोला कि भाई ये वॉलेट है और ये जो है अभी देना है, क्योंकि इसके अंदर यार अगर देख रहे होगे तो इसके अंदर बहुत सारे कार्ड्स हैं, बोले तो ATM कार्ड्स हैं बहुत सारे, ड्राइविंग लाइसेंस हैं, पैन कार्ड हैं, आधार कार्ड हैं और पता नहीं कौन से कार्ड्स हैं। तो एक पर्सन के लिए ये चीज़ यार बहुत ज़रूरी होती है और बहुत मायने रखती है। सो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना इसे दिया जाए। तो इसकी लोकेशन है वो है डगड़वा और आई होप कि वो बंदा मिल जाए और इसको मैं सही सलामत वहाँ तक पहुँचा दूँ। सो गाइस, अभी हम चलेंगे सबसे पहले पूर्णिया 0 माइल एंड इसके बाद आगे देखते हैं, क्योंकि हमें जाना है डगड़वा एंड डगड़वा में एक जामिया टोला करके है, इस व्यक्ति का पर्स पता नहीं जो मैं करता हूँ ये सही है या नहीं है, बट मन में आ रहा कर रहे हैं, बस बात खत्म। तो चुपचाप अभी अपना मुंह बंद करते हुए चलते हैं पहले, ठीक है। कभी कभी मैं ज़्यादा बोल देता हूँ, ऐसा नहीं होता है, भाषणबाजी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो थोड़ा उसको थोड़ा प्लीज़ इग्नोर करना प्लीज़। आई थिंक झारखंड में एक जगह है दुमका गढ़ के, ठीक है, और दो फॉरेनर्स जो है वो बाहर से आए हुए थे यहाँ पे यार राइड करने के लिए और वो शायद राइड कर रहे थे और एक्चुअली उनके साथ ये इंसिडेंट हो रखा था कि मतलब शर्म की बात है, मैं तो बोलना नहीं चाह रहा है, इतनी शर्म की बात है। 7 बंदे ने मिल के यार उनका गैंगरेप किया, ठीक है। ये चीज़ जो है थोड़ी शेमफुल है हमारी इंडिया के ऊपर। अगर इस तरह की इंडिया की इमेज अगर हम लोग ऐसे क्रिएट करेंगे तो यार हमारे खुद के घर वाले राइड करने से डरेंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए यार। दुमका के आसपास यार जितने भी राइडर्स हैं, ठीक है, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है भाई कि तुम अब इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ, एक बात बताओ, जो हो गया सो हो गया, अब भगवान उसको हिम्मत दे आगे वो लड़े, ठीक है। एंड जिन्होंने भी ये हरकतें की है ना, उन्हें तो भाई प्रॉपर सज़ा मिलनी चाहिए, 2x सज़ा, ठीक है, छोड़ना नहीं भाई इन लोगों को। हम लोग पहुँच गए हैं पूर्णिया 0 माइल। पूर्णिया में ना, पूर्णिया सिटी में एक बढ़िया चीज़ लगी यार मुझे कि ट्रैफिक लाइट लगा दी इन्होंने, बहुत सही चीज़ है, आई रिस्पेक्ट दैट। देखो भाई, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, देखो मैं इस तरह की कंटेंट भी बना सकता था, ठीक है, मैं पर्स रोड पे फेंक सकता था मैं बोल भी कैसे रहा हूँ, मैं कहाँ था, हाँ मैं ये कह रहा था ये जो वॉलेट है मैं जब मतलब रोड पे भी फेंक सकता था, फेंक के मैं भी व्लॉग कर सकता था, मैं आता उधर से अचानक, ऐसा बात नहीं कि मेरा दिमाग नहीं चलता है, ठीक है, और ऐसा बात भी नहीं कि मैं स्क्रिप्ट भी नहीं बना सकता, देखो, लेकिन जो सच है वही मैं दिखाता हूँ और दिखाना भी चाहिए जो सही बात है। सो गाइस, एक बार मैं वो लोकेशन जो है वो मैं गूगल कर देता हूँ ताकि मुझे आसानी हो उस लोकेशन तक पहुँचने में। करता हूँ थोड़ा गूगल, शुरू कर देता हूँ, इंटरनेट ऑन, अबे यार 100% डाटा यूज्ड हुआ था। सो गाइस, अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं डगड़वा, लीजिए डगड़वा आ गया एंड अभी मैं पूछूंगा भैया इधर जामिया टोला किधर है, जामिया टोला वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 2 किधर है, वार्ड नंबर 2 में है आपका गांव? नाम बहाम बोलिए मत भैया, आपके नाम बोलना पड़ेगा। ठीक है, जामिया इस्लाहुल बनत इद्रिस नगर लोकानी बना दो। हां, इसका मदरसा है ना? हां शायद उधर है। किधर? ये वाला सीधा रोड जाइए, मैं वैसे हटा दूंगा उसकी कोई नहीं। ठीक, निकाल के मेरे को दे पार्टनर। ओहो, क्या प्यारा सा सनसेट है गाइस, सनसेट तो बहुत बढ़िया है, सामने से आ रही है गाड़ी। दोनों होगा, दोनों निकालो। भैया इधर वार्ड नंबर 2 किधर है? वार्ड नंबर 2 किधर है?
दो यही सीधा कितना किलोमीटर है? ठीक ठीक है भैया, धन्यवाद। ओ बहन किधर आ गया यार। जिस काम से निकले हैं यार, इस काम को आप जब निकल ही गया घर से तो पूरा तो करना बनता ही है। भैया वार्ड नंबर दो किधर है? हाँ ठीक है, इधर से हाँ डगर मदरसा है क्या? ठीक है भैया। ये वसीकुर रहमान जी का घर यही है क्या? मेंबर के यहाँ देखिए तो वसीकुर रहमान ही है, देखा था? ये तो वसीकुर रहमान ही है, ये तो रास्ता जाना होगा। ठीक है, मेंबर साहब रे, मेंबर हो साहब। अभी तो वहाँ मिलेगा, बना बना चौक है ना, सीधा जाइएगा ना सीधा। ठीक है, वहाँ लकड़ी मिल है। ठीक है, दुकान है वहाँ, कोई काम है क्या? धन्यवाद। नहीं यही वॉलेट था, उनको पहुँचाना था, सड़क पे मिला था, पूर्णिया में मिला था हमें। हाँ वॉलेट मिला था उनका, यही सब जो है कार्ड्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स। ठीक ठीक है, लकड़ी का दुकान भी है उनका। वसीकुर रहमान का घर कौन सा भाई? वसीकुर रहमान ये वाला जहाँ पे वो आदमी बैठा हुआ है? ठीक है, कौन लगेगा तुम्हारा? कौन लगेगा? ओ भाई ये क्या होता है, मुड़ाबा मतलब बड़े पापा? ओ अच्छा अच्छा जी भाई, इनके लैंग्वेज यार भाई सीखना है, यार सीखना है भाई हमें भी। वसीकुर रहमान जी का घर कौन सा है? उनके पिताजी का नाम है शायद मंजूर। हाँ जी, कौन सा घर है ये वाला? कामी मेंबर। हाँ बुलाइए ना, थोड़ा बात करना है। ये भाई का ना अंडे, इसका पर्स जो है ना अच्छा पर्स है वाला, चाचा लगा मेरा वो। अच्छा कैमरा में कहीं गिरा होगा। शुक्रिया भैया। हां शुक्रिया, बात बोला तो हम बोले भाई घर पे क्यों रखा है, जाके दे दो, क्योंकि तो जरूरत का चीज है। बात है डिस्टेंस इतना रहता है ना, कोई आना नहीं चाहता। आपका नंबर दे दीजिए, जरूर सेवन करें, इस्तेमाल करें हरी छा। देना था तो देना था, बात खत्म। भैया ये हाईवे पे मिलेगा क्या? ठीक ठीक ठीक। सो गाइस, जिनका वॉलेट था उनके घर वालों को मैंने दे दिया सही सलामत, और जो हुआ सो हुआ, आपने तो देख ही लिया होगा। और अभी चलते हैं यार घर के साइड, और ये रोड जाएगी सीधा अभी हाईवे के साइड, और अभी मैं चल रहा हूँ सीधा हाईवे, एंड चलो मिलते हैं।